Assalamualaikum, my name is Imran Ahmed और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होती है, क्या फंक्शन है इसका, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री किसे कहते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं, फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी हेडिंग्स आज हम देखेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा डेफिनेशन कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है। इसी तरह फिर इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हमें प्रोवाइड करता है, टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरी होती है डेप्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। देन हमने प्रिंसिपल देखना है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, एंड देन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देखनी है कि इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें डेफिनेशन की तो मैस स्पेक्ट्रोमीटरी होता क्या है। सिंपली मैस स्पेक्ट्रोमीटरी इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू मेजर the exact isotopic masses of the certain elements, और वो सर्टन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, एक खास एलिमेंट है उसका जो एटम होता है उसका एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप इन द अर्थ क्रस्ट, उसकी रिलेटिव अबंडेंस और उसके एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिस टेक्निक को नाम दिया जाता है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब इस टेक्निक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो डेफिनेशन को देखते हैं, एक दफा देखिएगा, ए टेक्निक used to measure the exact isotopic masses of different isotopes of the same element. अब different isotopes के जो same element के different isotopes होते हैं उनका जो exact isotopic mass होता है उसको measure किया जाता है and the relative abundance और उसकी relative abundance कितनी है इसको measure करने के लिए जो technique इस्तेमाल होती है वो mass spectrometry कहलाती है और जो instrument इस्तेमाल करते हैं that is known as mass spectrometer होता है। अब बात करते हैं इसकी हमारे पास information कौन कौन सी provide करता है अगर mass spectrometry हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी information ये हमें provide करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आइसोटोप्स बताएगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं तो ये कार्बन का आइसोटोप्स के बारे में बताएगा कि कार्बन के कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैसेज के बारे में बताएगा कि किस आइसोटोप का कितना मैस है वो ये बताएगा। देन रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताएगा कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। देन हम बात करते हैं हमारे पास टाइप्स की, तो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं और डेम्स्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। अब एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ देखें, डिजाइन बाय एस्टन, used only for gaseous substance होता है। जो एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसको सिर्फ gaseous substance के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बरक्स अगर डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात की जाए तो ये डिजाइन बाय डेम्स्टर, यूज्ड फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस, जो सॉलिड सब्सटेंसेस सिंपली ये सॉलिड के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो लिक्विड और गैस तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, सॉलिड को पहले मेल्ट किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट करके इसको वेपराइज किया जाता है। ये अगर सॉलिड के इस्तेमाल हो रहा है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो सेपरेशन होती है वो बेस ऑन द मैस होती है, लेकिन जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें जो सेपरेशन होती है वो बेस ऑन द मैस टू चार्ज रेशियो होती है और ये इफेक्टिव वे ऑफ सेपरेशन कंसीडर किया जाता है, इसलिए डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर को ज्यादातर यूज किया जाता है। अब हम जो आगे डिटेल पढ़ेंगे वो सारी डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में होगी कि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले द सब्सटेंस इज फर्स्टली वेपराइज्ड then ionize, सबसे पहले सब्सटेंस को वेपराइज किया जाता है, then ionize किया जाता है with the help of high energy beam of electrons, जो high energy beam of electron की मदद से then उसको ionize किया जाता है to form positive ions, then वो क्या बनाता है, positive ions बनते हैं। these positive ions are then separated on the basis of their mass to charge ratio, वो positive ions क्या होते हैं, mass to charge ratio की base पे separate out किए जाते हैं and then recorded in the form of peaks होते हैं। then हम क्या करते हैं, उनको peaks की form में record कर लेते हैं और वो हमें बताते हैं कि कितने isotopes, relative abundance कितनी है और exact isotopic masses कितने होंगे। अब प्रिंसिपल हमने देखा, बात करते हैं कि वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन की, कि किस तरह मैस स्पेक्ट्रोमीटर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर डायग्राम की मदद से देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो चैम्बर होता है वो क्या होता है, एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर या वेपराइजर भी जिसको कहते हैं। इसमें क्या होगा, सॉलिड जो हमने किया डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इस्तेमाल करना है, जिसके हमने आइसोटोप्स डिटरमाइन करने हैं, सबसे पहले उसको मेल्ट किया जाता है और वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो एटोमाइजर या वेपराइजर। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर होता है।
होता है। अब आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, सबसे पहले एक फिलामेंट होता है जो क्या करता है हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाता है सब्जेक्ट जिसको हमने आयनाइज करवाता है। जो वेपर्स एटोमाइजर से आयन चैम्बर में आएंगे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर फिलामेंट के थ्रू बम्बार्ड करवाई जाएगी, वो क्या करेगा उनको आयनाइज कर देगा। अब वो कैसे आयनाइज करता है वो आयनाइजेशन में आगे जाके आपको बताऊंगा आयनाइजर क्या काम करता है। देन हमारे पास क्या होता है ग्रिड होता है या एक्सेलरेटर भी बोलते हैं या नेगेटिव ग्रिड भी बोलते हैं। अब ये एक्सेलरेटर क्या करेगा जो पॉजिटिव आयंस बने, एक्सेलरेटर नेगेटिव ग्रिड है नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा जो पॉजिटिव आयन बने हैं उनको एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेटर एक्सेलरेट करने के बाद उनको भेजेगा मोनोक्रोमेटर स्लिट्स के पास। अब मोनोक्रोमेटर स्लिट्स दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है परपेंडिकुलर भी होती है। अब ये क्या करेगी जो पीछे से हमारे पास आयनाइज्ड एक्सेलरेटेड जो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं उनको अरेंज करेगी इन अ मोनोक्रोमेटिक लाइन, मोनोक्रोमेटिक बीम में यानी उनको अरेंज कर देगी। जब मोनोक्रोमेटिक स्लिट्स जो है उनको बीम में अरेंज करेंगी देन वो गुजरेंगी हमारे पास एनालाइजर या सेपरेटर या मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटर भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या करेगा बेस ऑन देयर मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर नाम दिया जाता है H का और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है दैट इज E। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरकर एनालाइजर्स के पास जाएंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेस ऑन मास टू चार्ज रेशियो को सेपरेट आउट करती जाएगी। देन वो क्या होंगे आयन कलेक्टर या रिकॉर्डर के ऊपर बम्बार्ड करेंगे वहां पर उनकी पीक समय ऑब्टेन हो जाएगी। अब वन बाय वन इन फंक्शंस को डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो चैम्बर था वो क्या था वेपराइजर था। अब वेपराइजर क्या होता है जो सब्सटेंस हमने जिसको एग्जामिन करना है उसके सबसे पहले क्या किया जाता है वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है देन वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स प्रेशर ऑफ वेपर्स केप्ट एट 10^-6 to 10^-7 बार जो हमने वहां पर वेपराइजर आयन कलेक्टर या सॉरी जो आयनाइजेशन चैम्बर या वेपराइजर है उसका जो प्रेशर होता है उसको कितना रखा जाता है हमारे पास 10^-6 to 10^-7 टॉर रखा जाता है। अब वेपराइज हो गया प्रेशर मेंटेन किया हुआ अब हम उन चीजों को कहां पर भेजा जाता है आयनाइजर में भेजा जाता है। अब आयनाइजर में जाकर क्या होता है कि जो हमारे पास पीछे से वेपर्स आए हैं उन वेपर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो बम्बार्ड करवाई जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो बम्बार्ड करवाई जाएगी हमारे पास क्या होगा लेट्स सपोज ये मैं एम जो है वो गैस है वेपर्स है। अब इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है तो ये क्या करते हैं इसको एम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट आउट होंगे। तो ये आयनाइजेशन का प्रोसीजर वो वहां पर इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास एम गैस होती है उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की बीम बम्बार्ड करवाई जाती है एम पॉजिटिव आयंस बनते हैं प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर आयनाइजेशन हो जाती है नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्सेलरेटर होता है या नेगेटिव ग्रिड भी जिसको बोलते हैं। अब एक्सेलरेटर में क्या होता है हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है वो 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक होता है जो अप्लाई किया जाता है बिटवीन परफोरेटेड प्लेट्स टू एक्सेलरेट द परफोरेटेड प्लेट होती है जिसको नेगेटिव ग्रिड भी बोलते हैं। ये क्या करता है आयंस को एक्सेलरेट करेगा, जब आयंस इसके अंदर से पास आउट करेंगे आयंस को क्या होगा एक्सेलरेशन मिलेगी। अब जब आयंस को एक्सेलरेट कर दिया जाता है देन वो मोनोक्रोमेटर से गुजरते हैं, मोनोक्रोमेटर स्लिट से गुजरने के बाद उनको एक बीम में अरेंज कर दिया जाता है। अब बीम में अरेंज करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालाइजर। अब एनालाइजर क्या काम करता है आयंस आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एच, जो आयन एनालाइजर होगा वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करता है। तो आयंस के अंदर से क्या किया जाता है उन जो हमारे पास बीम आ रही है उस बीम को पास आउट करवाया जाता है पॉजिटिव आयंस की, तो वो बीम जो होती है वो सेपरेट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, जो बीम होती है वो सेपरेट आउट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो होती है। अब वो मास टू चार्ज रेशियो से जब बीम सेपरेट आउट हो जाती है वो कहां पर जाती है आयन कलेक्टर के पास जाती है, आयन कलेक्टर से वो डिटेक्टर रिकॉर्डर के पास जाती है जो उन हमारे पास बीम्स आ रही होती है उनको इन द फॉर्म ऑफ पीक्स या वो रिकॉर्ड करते हैं और हमें ग्राफ्स दे देते हैं जो कि किन चीजों को डिटरमाइन कर रहे होते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैसेज एंड रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अब हमारे पास जो मास टू चार्ज रेशियो का रिलेशन होता है वो किस तरह बनता है, तो मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू एच स्क्वायर व्हिच डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है, आर स्क्वायर के कितने रेडियस पे जाके उसकी पीक बनेगी एंड देन टू ई बी जो है वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब किस तरह वो कितने रेडियस पे जाके बीम बनेंगे और कितना वो फार अपार्ट होंगे और किस तरह उनके मैसेज की सेपरेशन होगी, तो सबसे पहले जो मास टू चार्ज रेशियो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, मास टू चार्ज रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना उसका रेडियस क्या होगा ज्यादा होगा। इसी तरह जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई की जाएगी उतना ही उसका रेडियस क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये दो रिलेशंस बनते हैं जिनकी वजह से हम पीक्स को डिटेक्ट करते हैं, वो पीक्स ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्डर पे आ जाती है और उनको हम वहां से डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक था, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।